अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज दिन है संडे और अभी टाइम हो रहा है पूरे 2। अभी तक कोई काम नहीं किया, अब काम शुरू कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो आप मेरे बेटे को देख रहे हैं। अभी मैंने सारा रूम साफ़ कर लिया, बस वैक्यूम रहता है और वो जो बेबी कार्ट वाला एरिया है वो रहता है, उसको साफ़ करना है। और सारा सामान मैं उठा लूँगी नीचे से, फिर जल्दी से वैक्यूम करते हैं। तो मैं आपको बता तो ये नीचे आंगन है, नीचे की तरफ से नज़र आ रहा है आपको ये आंगन है। जब बारिश होती है ना तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो यहाँ वैक्यूम हो रहा है और मेरे बेटे को सफाई करने का बड़ा शौक है। अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाहर से खाना लेके आए थे, क्योंकि घर में खाना हमने नहीं बनाया था, कोरमा और नान लाए थे तो हमने वही खाया था। बहुत मज़े का कोरमा होता है, नाम मुझे याद नहीं है कहाँ से लिया था, पर बहुत मज़े का कोरमा था। खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद और भी बहुत काम है, बर्तन धोने। ये देखिए मेरा बेटा सबसे पहले आके ऐसे बैठे जैसे सारा खाना इसी नहीं खाना, पर खाना नहीं होता। एक दिन वाला खा के फिर बस मामा पीछे पीछे भागना पड़ता है। स्पीडे चेक करो, स्पीडे। सारे बर्तन धुल चुके हैं। अच्छा, अभी हम स्टोव साफ़ करते हैं। स्टोव भी मैं उसी तरह साफ़ करती हूँ जैसे मैं सिंक साफ़ करती हूँ, लिक्विड बार से। देख रहे हो कि चूल्हा जो है एक साइड से बिल्कुल ब्लैक हो चुका है उसका। पता नहीं, समझ में नहीं आया कैसे चला, खुद ब खुद उसको आग लग जाती थी अंदर से और जलता रहा जलता रहा, और हम भी यूज़ करते रहे यूज़ करते रहे। डीट असली डीट जो ठहरे आप लोग बोल रहे होगे, मैं आपको कहना सुनाती हूँ। कल में ना आज बल्कि मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें नेहा कक्कर ने गाना गाया, बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल था वो सीन, बहुत इमोशनल था। मैं तो रोने लग गई थी, मुझे तो रोना आ गया था। गाना सुनाती हूँ आपको। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए, उसको खाना खिला दिया था मैंने। आप लोगों को अच्छा तरीका होगा ना, खाना खिला दिया था मैंने, फिर भी मुझे लगता है कि उसका पेट जो है ना भरा नहीं, तो मैंने इसलिए ना उसके लिए खिचड़ी बनाई। मैं उसको खाना खिलाने के बाद खिचड़ी ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका खिचड़ी खाने के बाद पेट फुल होता है। अच्छा, तो दूसरी तरफ मैंने चाय भी रखी थी। खाना खाने के बाद चाय ना पीने ऐसा हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी थी, चाय बन रही थी, बन ही रही थी, अभी बनना शुरू हो गया। मेरे काम देखे, सब कुछ डालने लगी थी मैं, और नीचे आग जलाई नहीं और वो चाय बना रही हूँ। वाह वाह वाह, शाबाश मम्मा, शाबाश। अच्छा, तो मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। अगर इंसान जब मेहनत करता है ना, उसको मेहनत का फल मिलता है, ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला सबके काम में ना आसानी पैदा करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद तो उनकी तारीफ करो तो वो खुश होते हैं, और वो जो खुद जब दूसरों की बारी है ना तारीफ करने की, वो तारीफ करने की बजाय उल्टा उन लोगों को ना डीमोटिवेट कर देते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेहरबानी थोड़ी कि ये अपनी जो आप लोग फजूल के डीमोटिवेशन वाले कमेंट्स करते हो और मैसेजेस करते हो ना, तो मेहरबानी करके ना करो,
यहाँ किसी और की दिल आजारी भी होती है तो मेहरबानी होगी, अच्छा करो, अच्छा बोलो तो अच्छा ही सुनोगे भाई। चलो चलो उस टॉपिक को। तो अभी यहाँ पे मैं चाय डाल रही थी, ये दोनों मैंने कप लिए थे यहाँ कराची से लिए थे मेट्रो से, डस मार दी थी मुझे मेट्रो वालों ने, 200 लिखा हुआ था 300 में दिए, 350 में। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बिस्किट दे थी, खाना एक भी नहीं होता, तीनों बिस्किट उठा लिए। अच्छा जी, चलो जी मैं यहाँ पे अपना व्लॉग करती हूँ एंड, और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें एंड तक, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।